और ये दोनों आपके कितने हो गए, कार्बन फिल्टर हो गए ये दोनों, ठीक है। ये आपका सेडिमेंट फिल्टर हो गया, ये दोनों कार्बन फिल्टर हो गए। तो ये मेन किसका रिमूव करेगा, और ये वो डायग्राम है जब मैं प्रैक्टिस करता था ना, तो इस डायग्राम को मैंने तब से बनाना, प्री ट्रीटमेंट और प्राइमरी ट्रीटमेंट और आपका पोस्ट ट्रीटमेंट, ठीक है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं आरओ प्लांट के बारे में। भी जो मेरे चैनल पे सबसे ज्यादा कमेंट आ रहे हैं ना, वो इसी चीज के आते हैं कि आरओ ट्रीटमेंट बताइए, क्योंकि काफी डाउट रहता है इसके अंदर। तो आप चेक करें, मैं यहाँ पे आपको एकदम आरओ प्लांट के बारे में पूरा बताने वाला हूँ कि कैसे प्रैक्टिकल कैसे होता है, और थर्टिकली भी हम लोग इसको देखेंगे जैसा कि हर वीडियो में होता है। तो सबसे पहले जब भी कोई आरओ के बारे में सुनता है ना, कि आरओ ट्रीटमेंट के बारे में, तो वो यही सोचता है कि घर पे जो हमारे आरओ होता है सेम उसकी तरह ही हॉस्पिटल में भी एक आरओ होता होगा। बट द थिंग इज गाइस, इसमें और घर वाले आरओ में बहुत फर्क होता है, क्योंकि हम जो घर पे आरओ का पानी जो हम यूज करते हैं, जो डोमेस्टिक आरओ होता है उसमें क्या होते हैं, मिनरल्स एडिड होते हैं। बट जो यहाँ पे जो ट्रीटमेंट होता है इसके अंदर मिनरल्स बहुत ही कम बच जाते हैं। तो इसका हम मैक्सिमम लेवल भी देखेंगे कि कितने इसके अंदर मिनरल्स रह जाते हैं, बहुत ही कम रह जाते हैं। क्योंकि अगर इसमें मिनरल्स एडिड रहेंगे तो वो पेशेंट के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं। एज अ डायलिसिस टेक्नीशियन आपको कितना पता होना चाहिए, या फिर आप डायलिसिस नर्स हो, या फिर आप नेफ्रोलॉजी यूनिट में काम करते हो, तो आपको आरओ के बारे में कितनी नॉलेज होनी चाहिए उसके बारे में हम आज पता लगाएंगे। और एक इजी सा फ्लो डायग्राम दिखाएंगे कि आरओ कैसे काम करता है, आरओ प्लांट। वाटर ट्रीटमेंट को तीन फेज में डिवाइड किया जाता है, प्री ट्रीटमेंट, प्राइमरी ट्रीटमेंट और पोस्ट ट्रीटमेंट। वे में स्टडी करना होता है, तो सबसे पहले हम प्री ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे, और फिर प्राइमरी के बारे में, और फिर पोस्ट ट्रीटमेंट के बारे में बात। तो सबसे पहले आपको जो पढ़ना होता है, ये आपका सैंड फिल्टर होता है, जिससे आप सेडिमेंट फिल्टर या फिर मल्टीमीडिया फिल्टर भी बोलते हो। इसका जो काम होता है, इसके अंदर एक ऐसा मैकेनिज्म होता है जो भी सेडिमेंट पार्टिकल होते हैं उनको ट्रैप कर लेता है इसके अंदर जो मैकेनिज्म होता है, तभी इसका नाम मल्टीमीडिया फिल्टर पड़ा है। क्योंकि जो 10 माइक्रोन से ऊपर के साइज के पार्टिकल होते हैं वो इसके अंदर ट्रैप हो जाते हैं, फिर जाके जो वाटर होता है दूसरे फिल्टर में सप्लाई होता है, विच इज़ कॉल्ड कार्बन फिल्टर। कार्बन फिल्टर यहाँ पे दो हैं, हम वीडियो के अंदर एक एक फिल्टर के ऊपर बात करेंगे आने वाली वीडियोस के अंदर। फिलहाल एक साथ हम लोग आरओ प्लांट देख लेते हैं कैसे काम करता है, प्रैक्टिकली भी थ्योरेटिकली भी, ठीक है। तो कार्बन फिल्टर इसमें दो दिए गए हैं, उसका सबसे बड़ा रीज़न ये हो जाता है दो कार्बन फिल्टर देने का, क्योंकि जहाँ पे ये आरओ प्लांट जहाँ का है ना, वहाँ की जो वाटर की क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है, बहुत ज़्यादा। तो उसकी वजह से दो कार्बन फिल्टर इसके अंदर दिए हुए हैं। और कार्बन फिल्टर का काम देख लेते हैं हम लोग। तो कार्बन फिल्टर के दो जो मेन काम हो गए, क्लोरीन और क्लोरामाइन रिमूव करने में हेल्प करता है ये वाटर में से। और ये दोनों आपके कितने हो गए, कार्बन फिल्टर हो गए ये दोनों, ठीक है। ये आपका सेडिमेंट फिल्टर हो गया, ये दोनों कार्बन फिल्टर हो गए। तो ये मेन किसका रिमूव करेगा, क्लोरीन और क्लोरामाइन को। बाकी डिटेल में जो आप लोग को सीखना है कैसे काम कर रहा है, और क्या क्या इसके कितना एक मैक्सिमम लेवल डिफाइन किया गया है एमई की तरफ से, ठीक है, एमई जो एक स्टैंडर्ड है, या फिर आईएसओ स्टैंडर्ड है, दो स्टैंडर्ड यूज किए जाते हैं, आईएसओ अलग होता है, एमई का अलग होता है। तो दोनों के कितने स्टैंडर्ड एक मैक्सिमम फिक्स है, उसके लिए एक अलग से वीडियो हम लोग बनाएंगे हर फिल्टर की। सैंड फिल्टर की अलग बनेगी, कार्बन फिल्टर की अलग बनेगी, वाटर सॉफ्टनर की अलग बनेगी। तो वाटर सॉफ्टनर पे देख लेते हैं। तो ये आपका क्या है, वाटर सॉफ्टनर है, ठीक है। ये कैसे काम करता है, तो ये वाटर सॉफ्टनर, और आपको नाम से पता चल रहा है कि वाटर सॉफ्टनर ये क्या रिमूव करेगा, हार्डनेस को रिमूव करेगा। और हार्डनेस को कैसे रिमूव कर सकता है, जब सोडियम का कंसंट्रेशन बढ़ाएगा वो, और किसको रिमूव करेगा, कैल्शियम और मैग्नीशियम को रिमूव कर देगा और सोडियम का इंटेक करेगा। और इसमें ना पूरा बहुत बड़ा प्रोसेस हो जाता है, वाटर सॉफ्टनर का बहुत बड़ा टॉपिक है। इसमें क्या होता है, रेजिन्स होते हैं, रेजिन्स ही हेल्प करता है कैल्शियम और मैग्नीशियम को रिमूव करने में, और जो सोडियम का जो सोडियम देना होता है वाटर को, वो भी रेजिन की हेल्प से दिया जाता है। क्योंकि आपने देखा होगा कि इसमें NaCl नमक का यूज़ किया जाता है, क्योंकि सॉल्ट का यूज़ किया जाता है वाटर को सॉफ्ट करने के लिए। आप लोगों ने अगर थोड़ा भी आरओ का प्रैक्टिकली देखा हो, तो मैं आपको बकेट दिखा देता हूँ पीछे रखी हुई है, उसकी हेल्प से इसके अंदर सोडियम जाता है, और वो रेजिन की हेल्प से इसका एक्सचेंज हो जाता है वाटर को सॉफ्ट करने के लिए। मैं आपको भी चेक कराता हूँ पीछे। तो इस कंटेनर में आपका सॉल्ट रखा हुआ है, जिसकी हेल्प से वो वाटर सॉफ्ट होता है, और इसके बाद जो वाटर चला जाता है ना, उसके बाद वाटर सीधा आरओ की मेम्ब्रेन में चला जाता है। उसमें जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, एंडोटॉक्सिन्स होते हैं, वो रिमूव कर देती है आरओ की मेम्ब्रेन, और वाटर को प्योर करती है। उसके बाद आपका एचपीपी होता है, जो हाई प्रेशर पंप, जो वाटर को आरओ के थ्रू
मूव कराता है, जिसकी हेल्प से वाटर क्या आर ओ से मूव करता है। फिर उसके बाद आपके गार्ड फिल्टर होते हैं और माइग्रेन फिल्टर होता है। लास्ट में आपका यूवी स्टेराइजर होता है, ठीक है, जिसकी हेल्प से रेस की हेल्प से लास्ट में बैक्टीरिया को किल किया जाता है। और उसके बाद आपका फ्रेश वाटर टैंक होता है, जिसके अंदर सारा वाटर कलेक्ट होता है और ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, ये ऑफलाइन सिस्टम हो गया सारा, जो हम ऑफलाइन ट्रीटमेंट की बात करते हैं। ऑनलाइन की भी अलग कहानी है, वो भी आप लोगों को बताएंगे। फिलहाल मैं आपको नोट्स से चेक करा देता हूँ, आपको अच्छे तरीके से एकदम समझ में आ जाएगा। सो गाइज, इससे आपको एकदम क्लियर होने वाला है आरओ का, और आप अच्छे से इसे समझ जाओगे। और अगर आप लोग एक स्टूडेंट हो तो आपके लिए तो बहुत बहुत अच्छी चीज़ है कि इसे आप बहुत इजीली सीख जाओगे। ठीक है, सबसे पहले इसमें पूरा प्रोसेस आउट किया गया है। ठीक है, अब इसके ऊपर जो इसके बाद जो वीडियो डलेंगी ना, वो अलग अलग फिल्टर को लेकर डलेंगी डिटेल्ड में। फिलहाल इसमें एक आपको गो थ्रू हो जाएगा कि आर ओ किस तरीके से काम करता है। प्रैक्टिकली आपने देखा, थ्योरेटिकली जब आप रिलेट करोगे ना, तो आपको पता लगेगा कि एक्चुअल में क्या होता है, कि उसमें कितनी चीज़ है इसमें नहीं है। देखिए क्या, ये रॉ वाटर टैंक है आपका। ठीक है, जहाँ भी नॉर्मल वेस्ट जो आ रहा है, देखो कंट्री वाइज ये अलग होता है, अभी हम इंडिया की बात करेंगे, तो इसके अंदर जो मेजर जो वेस्ट की बात की जाए, वेस्ट बहुत सारे होते हैं गाइस, ये इसमें नहीं बताया जा सकता है। फिलहाल जो हमने यहाँ पे लिया है, आपको देख रहे होगे, एल्यूमिनियम, क्लोरामाइंस, कॉपर, जिंक, कैल्शियम, ठीक है, ये हमने 5 लिया। ये आपके काफ़ी सारे होते हैं, ठीक है, जो मैंने आपको मेन बताए, ये इसके अंदर क्या है, इम्प्योरिटी है इसके अंदर एक तरीके से। आप देखो, इसके बाद आपका रॉ वाटर टैंक है। ठीक है, इसके बाद सबसे पहले आपका वाटर कहाँ जाएगा, सैंड फिल्टर में। ठीक है, यहाँ से एंट्री करेगा आपका, सैंड फिल्टर के अंदर आपका वाटर जाने वाला है। ठीक है, इसके बाद आपका जो वाटर है सैंड फिल्टर में जाने के बाद, अब देखो इसमें क्या है, सस्पेंडेड पार्टिकल्स। ठीक है, जितने भी पार्टिकल हैं, जैसे आपके सैंड जितने भी, ठीक है, लार्ज पार्टिकल हैं, कितने से 5 to 10 माइक्रोन फिल्टर से जितने भी ऊपर हैं ना, ये सबको क्या है, मल्टीमीडिया फिल्टर रिमूव कर देगा। ठीक है, इसे सेडिमेंट फिल्टर भी बोला जाता है, सैंड फिल्टर भी बोलते हैं, मल्टीमीडिया फिल्टर भी बोलते हैं। तो इसको मैंने लिख दिया यहाँ पे, सैंड फिल्टर, मल्टीमीडिया फिल्टर और सेडिमेंट फिल्टर भी बोला जाता है। अब इसके बाद जो आपका वाटर जाएगा, ये जाएगा आपका कार्बन फिल्टर के अंदर। ठीक है, कार्बन फिल्टर के अंदर जैसे ही वाटर जाएगा, तो इसके अंदर आपको क्या होगा, क्लोरीन एंड क्लोरामाइंस ये रिमूव होंगे, जो मेजर है किसके लिए, हीमोलाइसिस के लिए। ठीक है, अगर पेशेंट को हीमोलाइसिस हो रहा है, तो सबसे बड़ा रीज़न इसका यही होता है, क्लोरीन और क्लोरामाइंस आपकी वाटर के अंदर है, इसलिए पेशेंट को हीमोलाइसिस होता है। ठीक है, फिर तो ये हो गया आपका कार्बन फिल्टर का काम। फिर चलते हैं हम वाटर सॉर्ट में। देखो, इसको हम अलग से भी पढ़ेंगे तीनों फिल्टर को, इसमें इतना नहीं है, काफ़ी बहुत ज़्यादा वाइड टॉपिक्स हैं सारे, इसके अलग से वीडियो में बना दूंगा। वाटर सॉफ्टवेयर में देख लेते हैं। वाटर सॉफ्टवेयर में क्या होता है, एक ना रेजिन होता है इसके अंदर। इसमें क्या होता है, जो आपका कैल्शियम और मैग्नीशियम होता है वाटर के अंदर, वो क्या होता है, जब रेजिन से ये पास होता है वाटर, तो वो ट्रैप कर लेता है किसको, कैल्शियम और मैग्नीशियम को, वाटर को सॉफ्ट बना देता है, क्योंकि वाटर हार्ड है किसकी वजह से, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम की वजह से। तो गाइज, अभी आपका ये आधा आरओ का कंप्लीट हो चुका है। अभी आपका सिक्योरिटी फिल्टर प्राइमरी ट्रीटमेंट रहता है, पोस्ट ट्रीटमेंट आपका रहता है। तो मैं सोच रहा हूँ इस वीडियो को दो पार्ट में बनाया जाए, क्योंकि यहाँ पे एक और आरओ है, तो उसके साथ भी रिलेट करके आपको समझा दिया जाएगा। मैं चाहता हूँ आप लोग दो वीडियो मेरी देखने के बाद ना, आरओ को आपका एकदम कंसेप्ट क्लियर हो जाए, बिल्कुल भी डाउट नहीं रहना चाहिए किसी बच्चे को। तो जैसे ये वीडियो अपलोड होगी ना, उसके थोड़ी ही 1 आवर के बाद मैं पार्ट 2 भी अपलोड कर दूंगा, तो आप दोनों देखना साथ में। पहले आप पार्ट 1 इसे कंप्लीट कीजिए। रिवर्स ऑस्मोसिस पूरा आपका रहता है अभी, तो वो नेक्स्ट पार्ट में आपको कराया जाएगा, जिससे कि आपको क्या हो ना, खुद भी लेंदी नहीं पड़ेगा और वीडियोज़ भी ज़्यादा लंबी नहीं बन पड़ेंगी। नेक्स्ट वीडियो में आपको वैल्यूज़ भी पता लगेंगी कि कितनी वैल्यूज़ होती हैं, किसके कितनी नॉर्मल रेंज होती है, एंडोटॉक्सिन लेवल कितना होता है। मेन बहुत ज़्यादा इंटरव्यू में पूछे जाते हैं ये क्वेश्चंस, तो पार्ट 2 ज़रूर देखिएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो को क्लोज करते हैं यहीं पर, और मैं थोड़ी सी बात बताना चाहता हूँ आप लोगों को। तो ये था इस वीडियो में देखने के लिए, होपफुली आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। मुझे नहीं लगता पूरे YouTube पे किसी ने आपको इस तरीके से वाटर ट्रीटमेंट पढ़ाया होगा। और देखो यार, वीडियो से सब बना लेते हैं, बट द थिंग इज गाइस, कि क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है, सबसे बड़ी बात ये हो जाती है। सिर्फ थ्योरेटिकली पढ़ा के या फिर सिर्फ प्रैक्टिकल ऐसे वीडियो दिखा के नहीं समझाया जा सकता है किसी को। मेरा हमेशा एम ये रहता है, आप अच्छे से समझ जाओ तो बेस्ट है वो। अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो मुझे इंस्टाग्राम पे DM कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय, बी सेफ, और एम जरूर कंप्लीट करना यार इस वीडियो का, 1000 लाइक का। अगर आपके, और मैं तो यही कहता हूँ कि जैसे आप
मेडिकल लाइन से, तो अगर आप लोग वीडियोस को स्टेटस पर डालोगे या फिर ग्रुप्स में भी सेंड करोगे तो भी इससे हेल्प मिलती है। तो 1K लाइक जरूर प्रोवाइड कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय, बी सेफ, स्टे हेल्दी। जय हिंद, जय भारत।